हापुड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने अब अधिवक्ता के घर को अपना निशाना बनाया है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आनंद विहार में चोरों ने एक वकील के घर धावा बोलकर लगभग 15,000 रुपए का माल साफ कर दिया। चोरों ने कई टोटियां, एक सीलिंग फैन, बालकनी में खड़ी एक साइकिल और मेन हॉल के 3 ढक्कन चोरी कर लिए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और यहां पर रात चोरों ने मेरा ताला तोड़कर परसों सोमवार में 3 बजे जो किराएदार रहते थे वो अपना सब सामान लेकर यहां से चले गए, मुझे चाबी सौंप के गए और पूरा सुरक्षित मकान मैंने देखा। और उसके बाद रात में किसी ने ताला तोड़कर एक यहां पर रेंजर साइकिल थी, एक सीलिंग फैन और सारे एंगल वाल टोटी स्टील की और इसके होते हैं ढक्कन थे, मेन हॉल के ढक्कन, जो इस तरह का सामान था इस सब को लेकर चले गए। 12:30 बजे करीब पड़ोस से मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि आपके मेन गेट का ताला टूट के नीचे पड़ा हुआ है। उस सूचना के बाद मैं पुलिस चौकी SSC पहुंचा, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, तब उन्होंने वैसे यहाँ पर 2 पुलिस वाले भेजे, अब वो देख कर भी गए हैं और यहाँ से सामान चोरी हुआ है। लगभग 15,000 रुपये के आसपास का सामान का चोरी है। इसमें गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और ताला टूट कर बाहर पड़ा हुआ था रैंप पर। ताजी सब्जियों की काट घर बुलाएं, बाजार भाव पर सब्जियां पाएं, देख भाई को कॉल करें 8650607033 पर। बता दें कि गांव मतनोरा निवासी अधिवक्ता पवन गुर्जर का हापुड़ की आनंद विहार कॉलोनी में एक मकान है। पवन को बुधवार की दोपहर सूचना मिली कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला है। एडवोकेट पवन तुरंत अपने घर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच की। पवन ने बताया कि जब घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था और ताला नीचे पड़ा हुआ था। अधिवक्ता ने बताया कि चोरी मंगलवार की रात को हुई है। घर में कुछ दिन पहले किराएदार थे जिन्होंने घर खाली कर दिया। चोरी की घटना के दौरान घर में कोई नहीं था, मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और सामान चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है।